दिस कॉल इज नाउ बीइंग रिकॉर्डेड। आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी सर, नमस्ते सर। अपने बारे में कुछ बताइए। उच्च माध्यमिक विद्यालय गोटन से सर, और ट्वेल्थ क्लास मैंने आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय गोटन नागौर से की सर। इसके बाद मैंने बीएसटीसी की तो सर मैं 2012 से शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ सर, और सर मेरी मम्मी किचन गार्डनिंग है। अच्छा, चलिए, आप शिक्षक हैं वर्तमान में? जी सर। तो एज ए शिक्षक आपने ऐसा कोई इनोवेशन आपकी शाला में किया हो, कुछ बताइए। मैं तो कार्टून से निकाल के टब में डाल दिया। जी सर, मैंने एज ए शिक्षक के रूप में मेरी सर क्लास में पढ़ाने के रूप में मैंने सर गांव में जैसे सर सामान्य इंग्लिश से कर्सिव राइटिंग में नहीं पढ़ी जाती है, तो मैंने सर कर्सिव राइटिंग पढ़ी सर बच्चों को। इसके अलावा सर कुछ स्कूल में समस्याएं थी सर, चार दीवारी नहीं थी, चार दीवारी का सीमांकन नहीं था, तो सर वो सीमांकन करा के मैंने चार दीवारी निर्माण का कार्य कराया सर। इसके अलावा सर पैसे की कमी की वजह से वो भी अधूरी थी, तो सर मैंने सीएसआर से फेंसिंग भी करवाई सर। अच्छा, सीएसआर का उपयोग आप विद्यालय स्तर पे भी करते? जी सर, हमारे यहाँ पर कुछ इंडस्ट्री है सर, बिल्ड एवाइट सीमेंट की एक यूनिट है सर, तो वहां से मैंने बात करके सर उसके द्वारा कार्य करवाया गया सर। बिरला व्हाइट सीमेंट के कहाँ पर है इकाई? सर खारिया खंगार में है सर। अच्छा, तो एक इस क्षेत्र में एक बहुत ही चर्चित सीमेंट उद्योग स्थापित हो रहा है, वो भी काफी चर्चित था, जो आप कहते हैं कि आप नागौर में भी रहे हैं मोंडवा के आसपास। इसके बारे में मुझे पूरी जानकारी नहीं है सर मोंडवा। तो खारिया खंगार और किसी चीज के लिए भी प्रसिद्ध है क्या? सॉरी सर, यहाँ पर अभी तो यही एक व्हाइट सीमेंट का कारखाना है सर, इसके अलावा तो अभी जानकारी नहीं। ठीक है, चलिए। तो आप अध्यापक हैं, तो ये बताइए मुझे कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में राजस्थान की स्पेसिफिक क्या ऐसी आपको खामियां दिखाई देती है जिसको दुरुस्त किए जाने की आवश्यकता है? जी सर, राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था अच्छी है, लेकिन इसमें और सुधार की बात करें तो सर मुझे लगता है कि अभी स्कूलों में जैसे प्रिंसिपल है एजुकेशन का भी काम देखता है, साथ साथ में अदर जो सुविधाएं होता है उसको भी देखता है, तो सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में एक मैनेजमेंट के अधिकारी के रूप में सर एक मैनेजर की नियुक्ति कर दी जाए, जो एजुकेशन के अलावा जो एक्स्ट्रा कार्य वो देख ले, तो सर इसमें शिक्षा की गुणवत्ता में सर गुणवत्ता बढ़ेगी सर। तो आप कह रहे हैं कि मैनेजर की नियुक्ति कर दी जाए, तो फिर प्रिंसिपल और मैनेजर के बीच में आपस में विवाद नहीं होगा, इसकी बात को तवज्जो दी जाएगी? जी सर, जो स्कूल का प्रिंसिपल है वो एजुकेशन का प्रशासन देखेगा सर, और जो मैनेजर होगा वो जैसे अदर कार्य एजुकेशन के अलावा सर, जैसे सफाई है या कुछ पौधारोपण है या इसके अलावा खेल का मैदान डेवलप करना है, एक्स्ट्रा सर सुविधा के ऊपर उनके सर शक्तियों का विभाजन कर दिया जाए सर। स्कूलों में अभी कुछ नई भर्ती किए जाने की बात भी चल रही है, आपको जानकारी है उसकी? जी सर, अभी कंप्यूटर निर्देशक की भर्ती के बारे में सर आईएएस मिली होगी सर। अच्छा, तो इससे क्या सुधार आने की संभावना है? हमारे पास अवसंरचनात्मक ढांचा, आपके पास कंप्यूटर उपलब्ध है आपके स्कूल में? जी सर, मेरी स्कूल प्राइमरी तक है सर, प्राइमरी स्कूलों में तो अभी तक नहीं है, लेकिन सर यूपीएस और जो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी सर उसमें लगभग सर सभी स्कूलों में कंप्यूटर की व्यवस्था और लिया है सर। अच्छा, जैसे हमने खामियों की बात की, तो और आपने एक कमी बताई कि भाई मैनेजमेंट का काम भी जो अध्यापक है उनको करना पड़ता है, इसके अलावा और क्या खामी है आप बताइए मुझे? इसके अलावा सर जो स्कूल में टीएलएम की सामग्री है सर, तो ज्यादातर सर अभी स्कूल का जो शिक्षा के ऊपर खर्च देखा जाए वो सर सैलरी और इसमें ज्यादा होता है सर, तो टीएलएम और जो स्कूल की इंफ्रास्ट्रक्चर है इसके ऊपर और खर्च बढ़ाया जा सकता है सर, जिससे लर्निंग आउटकम में बढ़ोतरी होगी सर। अच्छा, चलिए, सरकार के पास धन उपलब्ध नहीं है, पैसे नहीं है, यही एक वजह की सरकार इस पर खर्च नहीं कर पा रही है, तो इसके अलावा कोई विकल्प है क्या आपके पास? जी सर, इसके अलावा सर शिक्षा सुधार के बारे में और बात करें सर आप?
हाँ, मैं कह रहा हूँ कि भाई आप कह रहे हैं कि अवसंरचना ढांचा है उसको अच्छा किया जाए, तो सरकार के पास बजट नहीं है, उसके अलावा क्या विकल्प है? इसके अलावा सर जो मॉनिटरिंग पद्धति है, जो स्कूलों के ऊपर मॉनिटरिंग है सर, उसको भी सुधारा जा सकता है, और सर बच्चों की जो इवेल्युएशन सिस्टम है सर, उसमें भी और सुधार किया जा सकता है सर। नहीं, आप यहाँ पर सुविधाओं की बात कर रहा हूँ मैं, सुविधाओं को दुरुस्त करना हो स्कूल में तो आप क्या करेंगे? सरकार कहती है हमारे पास बजट उपलब्ध नहीं है, पैसे नहीं है, तो आपके पास क्या विकल्प है? सर इसके लिए हम भामाशाह के सहयोग से कर सकते हैं सर, जो भी स्थानीय भामाशाह हैं उनको मोटिवेट कर सकते हैं सर, उनकी सहभागिता से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं सर। भामाशाहों के सहयोग से आपने अभी तक कुछ किया ऐसा कदम उठाया जी आपने? सर, जी सर बिल्कुल किया सर, मैंने मेरे जो स्थानीय भामाशाह उनकी सहायता से सर विद्यालय में जो सैनिटरी फिटिंग है सर, लाइट फिटिंग है सर, इसके अलावा स्कूल में पंखे है सर, प्रिंटर है सर, इन सब की व्यवस्था करवाई है सर। लाइट फिटिंग को लेकर एक अभी काफी चर्चित एक अभियान चला था किसी जिले में, उसकी जानकारी है आपको? माफी चाहूंगा सर, इसकी जानकारी मुझे नहीं है सर। अच्छा, चलिए, एक अभियान था जिसमें स्कूल के आसपास मैदानों को विकसित किया जाए, स्कूल में खेल के मैदान नहीं है, उसको लेकर एक चर्चित अभियान था, उसकी आपको जानकारी हो तो? सर मैं प्रॉपर सर अभियान का नाम तो याद नहीं कर पा रहा हूँ सर, लेकिन पंचायतों में ब्लॉक लेवल पर स्टेडियम डेवलप किए जा रहे हैं सर। अच्छा, एक स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होती है, जी सर, उसके बारे में जानकारी है आपको? जी सर, अच्छा, सर बताइए। हाँ, सर आरटी के तहत एसएमसी जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है उसकी गठन की बात की गई सर, जिसमें 3/4 जो सदस्य होते हैं वो सर अभिभावक होते हैं, और उसमें 50% महिलाएं होती हैं सर। इसके अलावा एक विद्यालय का बच्चा भी उसमें शामिल होता है सर, और उसमें जनप्रतिनिधि भी शामिल होते हैं। जैसे आपने राइट टू एजुकेशन की बात की, तो 25% जो बीपीएल फैमिलीज हैं, गरीब वर्ग के छात्र हैं, वो आपकी निजी स्कूलों में होने चाहिए, जी निःशुल्क सर, उनका एडमिशन। तो क्या हमारे निजी स्कूलों में निःशुल्क एडमिशन होता है? जी सर अभी होता है सर, और इस सत्र से सर अभी ऑनलाइन व्यवस्था किया सर, जिसकी 2.5 लाख से कम आई है वो है सर उसमें आरटी के तहत निजी स्कूलों में एडमिशन ले सकता है सर। हाँ, वो प्रावधान किया है, मैं आपको हकीकत पूछ रहा हूँ, क्या ग्राउंड रियलिटीज ऐसी हैं, क्या वास्तव में एडमिशन होता है या खाना पूर्ति कर दी जाती है? सर वास्तव में एडमिशन हो रहे हैं, लेकिन सर हालांकि कभी कभी जरूर शिकायतें मिलती हैं कि एडमिशन लॉटरी पद्धति से नहीं होकर कुछ भाई भतीजेवाद की भी समस्या आती है, लेकिन सर जो अभिभावकों की समिति होती है उनको इनका मैनेजमेंट का या निगरानी का काम दिया तो सर अब लगभग ये अच्छी तरीके से हो रहा है सर। इसको इसकी देखभाल के लिए एक कमेटी भी होती है, उसकी जानकारी है आपको? जी सर माफी चाहूंगा सर इसके बारे में। अच्छा, आपको इसकी जानकारी नहीं है। चलिए, मुझे ये बताइए कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक विशेष आदेश पारित किया था, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से कहीं से, कि निजी स्कूल है वो इतना फीस ही फीस वसूल कर सकते हैं छात्रों से, उसकी जानकारी है? जी सर, सर कितनी है? आपातकालीन में सर जो ये 70% फीस वसूलने का सर आदेश था, जिसमें निजी स्कूल है 70% तक फीस ले सकते सर। ओके, मुझे सौरभ जी गोस्वामी, सौरभ जी हैं, जी सर, सौरभ जी अवेलेबल हैं? जस्ट होल्ड ऑन सर, एक मिनट, सौरभ जी नहीं है। चलिए, आप किस विषय से स्नातक हैं? जिसे मैंने स्नातक इतिहास, राजनीतिक विज्ञान और अंग्रेजी साहित्य से किया सर। और एमए आपने भूगोल से किया है? जी सर, चलिए, राजस्थान की भौगोलिक व्यवस्था जो है, भौगोलिक अवस्थाएं हैं, उसमें हम देखते हैं कि पश्चिमी राजस्थान में अलग परिस्थितियां हैं, पूर्वी राजस्थान में अलग परिस्थितियां हैं, इनके बीच में एक मोड़ बिंदु बड़ा चर्चित रहता है कि भाई ये भौगोलिक जो संगठन है ये बड़ी भूमिका निभाता है, वो कौन सा है? जी सर अरावली वर्णमाला है सर, जिसके पश्चिम में थार का मरुस्थल है सर, और पूर्वी में मैदान और पठार है सर। अच्छा, तो अरावली पर्वतमाला की बात आपने की, तो इसको वर्षा होने में भी इसकी अच्छी भूमिका मानी जाती है, जैसे दक्षिणी क्षेत्र की बात करते हैं वहाँ अच्छी वर्षा होती है। इसके अलावा और क्या उपयोग है इस पर्वतमाला का?
सर इसके अलावा सर जो अरावली प्रतिमा है वो प्राचीनतम चट्टानों से बनी हुई है सर, इसलिए यहाँ पर खनिजों का भंडार है सर। इसके अलावा सर जो दक्षिणी क्षेत्र है वहाँ पर काफी आर्द्रता रहती है, वहाँ पर सदाबहार वन भी है सर, और काफी इमारती लकड़ी और अन्य जो लघु उपजे हैं वो भी प्राप्त होती है सर। अच्छा चलिए, आपने कहा खनिजों का भंडार है, तो कौन कौन से खनिज विशेष हैं जो राजस्थान में ही केवल उत्पादित होते हैं, यही उत्खनित होते हैं? सर राजस्थान में सीसा, जस्ता, सेलेनाइट, वोलेस्टेनाइट इनके ऊपर एकाधिकार है सर। अच्छा चलिए, अरावली के सामने अभी वर्तमान में काफी संकट हम देखते हैं, जहां पर अवैध खनन का एक समस्या है, और इस अवैध खनन को लेकर हम अक्सर अखबारों में पढ़ते हैं कि अमुक जगह ये हिंसक वारदात हुई है। आप मुझे बताइए कि क्या एक गवर्नमेंट ऐसे अवैध खनन पर रोक नहीं लगा सकती, या फिर आपको लगता है कि यहाँ कहीं ना कहीं राजनीतिक विफलता है हमारी सरकार की? जी सर, सरकार को और प्रशासन का हमेशा ये प्रयास रहता है कि अवैध खनन को रोके, और सर इसके लिए हमेशा कई बार भी कोई ऑपरेशन आता है और सर जो अवैध खनन और भू मापे हैं, खनिज मापे, उनको पकड़ा भी जाता है सर। लेकिन अपवाद रूप सर कई कई जगह ये हमको ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं कि सर अभी भी चल रहा है सर। अवैध खनन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हम देखते हैं बजरी खनन सबसे बड़ी समस्या है। ये वास्तव में समस्या क्या है, क्योंकि क्या वजह कि हमें अवैध खनन की ओर लोग जाते हैं, लोग अवैध रूप से बजरी है वो खरीदते हैं, इसके पीछे रीजन क्या है? जी सर, अभी हमारा राज्य और राष्ट्र सर विकास की ओर अग्रसर है, तो सर काफी ज्यादा निर्माण कार्य हो रहे हैं सर, उसमें बजरी की बहुत ज्यादा मांग रहती है सर। इसलिए सर अभी हमारे यहाँ पर जो इकोसिस्टम संरक्षण को लेकर लीजें नहीं हो पा रही है सर प्रॉपर, उस लीजें नहीं बनने की वजह से अवैध खनन हो रहा है सर, उस डिमांड को पूरी करने के लिए जो। अवैध खनन के पीछे और कोई रीजन आपको पता हो, कोई न्यायालय में मुकदमा ऐसा चल रहा हो, कोई वाद हो ऐसा कुछ? जी सर, एनजीटी में जो नदी वगैरह जहाँ से खनन होता है उनको संरक्षण के लिए सर चल रहा है सर, उसकी वजह से जो प्रावधान पूरे नहीं कर पा रहे हैं, काफी सख्त प्रावधान है, इसकी वजह से सर जो माइंस नहीं बन रही है, तो माइंस नहीं बनने की वजह से डिमांड को पूरी करने के लिए सर जो अवैध खनन को बढ़ावा मिल रहा है सर। तो आपके कहने का मतलब है कि ये इसके लिए जो अवैध खनन में लिप्त लोग हैं वही जिम्मेदार है, सरकार दुरुस्त है, पुलिस प्रशासन दुरुस्त है, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं सर, सरकार भी इसके ऊपर पूरा ध्यान दे रही है, इसको रोकने के लिए एम सैंड नीति लाई सर, और अभी हाल ही में इसके लिए काफी माइंस की जो लाइसेंस भी जारी किया है सर। लेकिन सर हम अवैध खनन में बाकी है सर, जो अवैध खनन कर रहे हैं सर उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है सर अभी रोक। कार्रवाई हो रही है। चलिए, आप राजनीति विज्ञान के भी विद्यार्थी रहे हैं, जी सर, चलिए आप मुझे ये बताइए कि राजनीति विज्ञान जो है और राजनीति, दो शब्द हैं, इनमें क्या अंतर है? सर राजनीति विज्ञान है, इसमें सर जो राजनीति के सिद्धांत हैं, राजनीति के जो भी अलग अलग पहलू हैं उसके बारे में सर अध्ययन किया जाता है। राजनीति एक सर प्रैक्टिकल व्यू है, हम घटना से कह सकते हैं, जबकि राजनीति विज्ञान में उन सब का अध्ययन किया जाता है सर। अच्छा, देश के राजनीति में वर्तमान घटनाक्रम जो है, जिसमें हम देखते हैं कि कई राज्यों में कुछ विधायक है वो इस्तीफा दे देते हैं, फिर अल्पमत में गवर्नमेंट आ जाती है और फिर नए सिरे से सरकार गठित हो जाती है, इस प्रकार की वारदातें जो घटनाएं हैं आपने अभी हाल में कहीं सुनी? जी सर, कुछ समय पहले मध्य प्रदेश में सामूहिक इस्तीफा दिया गया सर विधायकों के द्वारा, और सर वहां पर फिर दूसरी सरकार पार्टी की सरकार का गठन हुआ है सर। क्या इसको रोका जाना चाहिए या फिर ऐसे चले चलने दें? जी सर, दल बदल को रोकने के लिए सर अभी संविधान अनुसूची 10 में प्रावधान किया गया है सर, जिससे काफी हद तक इसके ऊपर रोक लगी है सर। लेकिन हाल ही में ऐसे घटनाक्रम को देखते हुए सर इसमें और कार्रवाई होनी चाहिए सर, और कुछ जो भी लूपहोल है कानून में उसमें सर सुधार होना चाहिए सर। मेरा अंतिम सवाल है, आप मुझे ये बताइए कि एक जनप्रतिनिधि को क्या अधिकार नहीं होना चाहिए कि वो जिस दल में जाए जहां चाहे इस्तीफा दे दे? सर एक प्रतिनिधि को यदि लोकतंत्र स्वस्थ लोकतंत्र के रूप में देखा जाए
बात रखने के लिए यदि वो जाए तो ठीक है सर, लेकिन यदि वो लोभ लालच में या किसी पद को लेकर जाए तो सर वो गलत चीज है सर। तो कोई दल बदल करता है, लोभ लालच हो तभी उसको दल बदल के तहत तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, तो लोभ लालच होना जरूरी है क्या इसमें? सर अभी ऐसे कानून का कोई प्रावधान नहीं है सर, लेकिन इसमें कुछ इस प्रकार के प्रावधान किए जा सकते हैं कि सर जो केवल अविश्वास प्रस्ताव है या विश्वास प्रस्ताव है या गवर्नमेंट की स्थिरता से जुड़ा है उसी के ऊपर ये अनुसूचित के प्रावधान लागू होने चाहिए सर। बट अन्यथा दूसरे सामान्य सदन के अंदर विचार रखने की बात होती है तो वो सर अपने विचार पार्टी के बीच जाकर भी रख सकते हैं, ऐसा प्रावधान होना चाहिए सर सामान्य कानूनों पर सर या सामान्य प्रस्तावों पर। अच्छा चलिए, राकेश जी पूछिए। हाँ सर, आप मारवाड़ क्षेत्र से आते हैं? जी सर, मारवाड़ को मारवाड़ क्यों कहते हैं? सर यहाँ सर थार के मरुस्थल है जिसको मरुभूमि कहा जाता है सर, उसी के आधार पर यहाँ के क्षेत्र को मारवाड़ कहा जाता है सर। क्या विशेषता है मारवाड़ की? जी सर ये थार के रेगिस्तान में स्थित है सर, तो यहाँ पर सर तो उष्णकटिबंधीय जलवायु का क्षेत्र है सर, लेकिन यहाँ पर सांस्कृतिक बात है तो सर ये अपनी मीठी बोली और यहाँ पर ऐतिहासिक धरोहरों के लिए जाना जाता है सर। अच्छा, मिट्टी बोली से आपका क्या मतलब है? चाश में डुबो कर बोलते हैं क्या क्या? अपने जो मारवाड़ी बोली की जो टोन है सर वो एक बहुत ही आकर्षक है सर, इसलिए अच्छा, आप मुझे जोधपुर बुलाने के, जोधपुर के जो ऐतिहासिक, आपने बोला ऐतिहासिक स्मारक, उसके मुझे घूमने के लिए बुलाना है। आप मारवाड़ी में बोल के बताओ, आप मुझे बुलाने के लिए कौन कौन से आप घुमाओगे, कैसे घुमाओगे? तो आप लोग मारा मारवाड़ में बनारो स्वागत है पधारो सा, आप यदि मारा मारवाड़ में आओ तो मैं ताने मेरानगढ़ मऊ सा, इसके अलावा मैं आपने उमेद पहले से मारा के मंडोर उद्यान है ऐसे में घुमाओ सा आपने। अच्छा, तो मंडोर उद्यान किसने बनाया था? मंडोर ये अपनी ऐतिहासिक रूप से यहाँ पर पहले किला था सर, क्षत्रियों का राज था सर, उसके बाद में यहाँ पर प्रतिहारों और राठौड़ों का राज रहा है सर। अच्छा, राठौड़ वंश में अजीत सिंह जी एक राजा थे, उनको बचाने के लिए किसी महिला ने अपना बलिदान दिया था, क्या नाम था उनका? जी सर कृष्ण सिंह जी की मृत्यु के बाद अजीत सिंह को औरंगजेब को कैद कर लिया था सर, तो उनकी कैद से छुड़ाने के लिए हेराताई ने सर वहां से निकला था सर। अच्छा, पन्नादाई ने भी अपने पुत्र का बलिदान दिया, गोरादाई ने भी अपने पुत्र का बलिदान दिया, फिर गोरादाई द्वयम दर्जे पर रह गई और पन्नादाई हर किताब पुस्तक सब जगह आ गई, ऐसा क्यों है? आपको नहीं लगता है उनके साथ कुछ भेदभाव हुआ है? मुझे लगता है सर गोरादाई की महिमा भी मिलती है सर वहाँ के इतिहास में, लेकिन सर पन्नादाई की भी मिलती है, और सर हाल ही में भी जो गोरादाई के बारे में और जानकारी मिलती है सर वो भी प्रकाश में आई है सर, और उनका भी सम्मान बढ़ा है सर। तो आप ये बताइए कि आपका जो जोधपुर क्षेत्र है वन्य जीव प्रेम के लिए प्रसिद्ध है, कौन सी जाति है? सर विष्णु जाति विशेषकर के लिए जानी जाती है। अच्छा, कौन है पर्वतक विष्णु जाति के? माफी चाहूंगा सर मैं सुन नहीं पाएगी। पर्वतक कौन है विष्णु जाति के, विष्णु सिंह बताइए। संत जाम्बो जी को सर अच्छा, कहाँ पर है इनका धाम? इनका जन्म स्थान पीपा सर नागौर है, इनका धाम कहाँ पर बना हुआ है? इनका धाम सर मुकाम बीकानेर के अंदर है सर। मुकाम बीकानेर में किसी और संत की भी कर्म स्थली रही है, याद कर पा रहे हैं? जी सर,
हेलो, आवाज आ रही सर? दोबारा बोलिए। बीकानेर में किसी और संत की भी कर्म स्थली रही है क्या? आप बता सकते कौन से संत की है? जी सर, बीकानेर में सर मैं भी याद नहीं कर पा रहा, रिकॉल नहीं कर पा रहा। अच्छा, आपकी हॉबी क्या है? किचन गार्डनिंग गार्डनिंग क्यों करते हैं आप? किचन गार्डनिंग सर, किचन गार्डनिंग मेरी हॉबी है सर। इसके अलावा सर, किचन गार्डनिंग करने से सर मेरे घर भी सर काम करता हूँ तो मेरी फिटनेस भी रहती है। इसके अलावा सर मुझे ताजा सब्जियां भी मिल जाती है और कई मेडिसिन प्लांट भी लगा रहते हैं जिससे सर इम्यूनिटी भी बूस्ट रहती है सर। अच्छा, कौन कौन से मेडिसिन प्लांट लगाए आपने? सर मैं ट्यूशन सुनी मेडिसिन प्लांट आपने कौन कौन से लगाए? जी सर, मैंने अभी पुदीना लगा रखा है सर, तुलसी है सर, गिलोय है और सर सदाबहार का प्लांट लगा रखा है सर। अच्छा, सदाबहार कौन से किस में काम आता है, किस रोग में काम आता है? सदाबहार की जो जड़ें होती हैं वो कुष्ठ रोग में काम आती हैं और सर जो जड़ की छाल होती है वो ब्लड प्रेशर को कम करने और सर बुखार और सर दर्द बीमार के रूप में भी काम आती है सर। इसके अलावा इसका सार होता है सर जो डायबिटीज में भी काम आता है सर। अच्छा, किचन गार्डनिंग आपके प्रशासन में कैसे उपयोगी की? जी सर, ये मुझे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से मदद करेगी सर। प्रत्यक्ष रूप से सर एक माल न्यूट्रिशन की बड़ी समस्या है तो मैं लोगों को किचन गार्डनिंग के बारे में मोटिवेशन करूंगा सर, तो उनको पौष्टिक सब्जियां मिलेगी सर। न्यूट्री गार्डन के लिए मोटिवेट करूंगा, किसानों को बागवानी के लिए भी करूंगा सर। अप्रत्यक्ष से बात करो तो सर जैसे एक पौधा धीरे धीरे डेवलप होता है उसके बाद में उसके फल लगते हैं, तो सर कोई भी सरकार की योजनाएं होती है तो उसी में भी उसी प्रकार धैर्य रखना पड़ता है, एक मजबूती भी मिलती है सर। अच्छा, बहुत अच्छा है। तो आप इस किचन गार्डनिंग के 5 औजारों के उपकरणों के नाम बताइए जो आप काम में लेते हो। जी सर, मैं कुदाली, रेती, खुरपी, हंसिया, नेप सर, ये अच्छा, अभी आप शिक्षक हो ना? जी सर। अभी स्कूलों में कुछ वन वगैरह बनाने के ऑर्डर जारी हुए हैं। कौन कौन से वन बनाने के ऑर्डर जारी हुए हैं? शहरी क्षेत्र में कौन सा है और ग्रामीण क्षेत्र में कौन सा है? जी सर, वन के लिए सर याद नहीं कर पा रहा सॉरी सर। अच्छा, एक तालिबान है, तालिबान जी से सर, भारत बात कर रहा है, उसको एक स्टेक होल्डर के रूप में ले रहा है, तो आपको क्या लगता है कि एक आतंकवादी संगठन को एक स्टेक होल्डर के रूप में बातचीत करना भारत की राजनीति को किधर ले जाएगा या कूटनीति विदेश नीति को किस ओर ले जाए? आपका व्यू क्या है बाकी इसमें? ये सर अफगान से रिलेटेड है ये मुद्दा सर, और कि अफगान के जो भी बड़े स्टॉक होल्डर है उनको सर बात करनी चाहिए। तो सर तालिबान भी वहां का एक बड़ा स्टेक होल्डर है सर, उसकी बात किए बिना वहां की शांति बनाना सर अभी संभव नहीं है सर। तो यदि इतना बड़ा स्टेक होल्डर है उनसे बात नहीं करेंगे तो सर वहां पर उनके पहलू छिपे रहेंगे, तब तक दबे रहेंगे तब तक सर वहां पर शांति स्थापित नहीं हो सकती है। तो इसके लिए सर बात जरूरी है, लेकिन सर कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पर भी काम होना चाहिए सर, जिससे तालिबान गतिविधियां जो आतंकवादी गतिविधियां वो रुके सर। अच्छा, इंडो पैसिफिक क्षेत्र कहाँ पर? और सर मैं सुन नहीं पाया सर। इंडो पैसिफिक क्षेत्र कहाँ पर? सर आप इंडो पैसिफिक क्षेत्र का एरिया पूछ रहे हैं? जी, जी सर, इंडो पैसिफिक सर प्रशांत महासागर और हिंद महासागर क्षेत्र सर, जो अफ्रीका का पूर्व किनारा है वहां से लगाकर पूरे प्रशांत महासागर पर माना जाता है सर। तो अभी सारा विश्व इस क्षेत्र में केंद्रित हो गया है क्या? ऐसा क्यों है? जी सर, जो पहले जो जियोसेंट्रिक थी सर वो अटलांटिक मार्केट थी सर, लेकिन अभी हाल ही में ये क्षेत्र जियोसेंट्रिक बन गया सर। इसका मुख्य कारण यहाँ से होने वाला व्यापार है सर, और सर यहाँ पर जो मलक्का जल संधि है वहां से अधिकतम विश्व का व्यापार यहाँ से होता है सर। अच्छा, तो आप ये बताइए कि यहाँ से जो व्यापार होता है
उसी तरह एक स्वेज नहर से व्यापार होता था, वहां पर एक जहाज फंसा था, कौन सा जहाज था, क्यों फंसा था? जी सर, मैंने इसके बारे में पढ़ा लेकिन अभी वापस याद नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं। अभी जम्मू कश्मीर में कुछ क्राइसिस चल रहा है क्या है? कि अभी प्रधानमंत्री के साथ वहां के जो दल है उनकी सर्वदलीय बैठक हुई है सर, और उनके जो कुछ मुद्दे हैं सर उनके ऊपर बात हुई सर, जिसमें मुख्य मुद्दे सर वहां पर एक राज्य का दर्जा देना, अभी वापस वहां पर सर परिसीमन आयोग का काम चल रहा है सर, और चुनाव कराने पर चर्चा हुई है सर। आपको क्या लगता है अनुच्छेद 370 हटाना, यदि आप जम्मू कश्मीर के नागरिक हैं तो आपको क्या लगता है सही है या गलत? सर मेरा मानना ये है कि ये एक अस्थायी प्रावधान था सर, और इसकी वजह से एक जम्मू कश्मीर भारत के साथ एकीकरण नहीं हो पा रहा था सर, और इसमें अलगाववाद की भावना पनप रही थी सर। तो 370 सर मुझे लगता है कि सही कदम था, और इसका वास्तविक रूप से जम्मू कश्मीर का भारत के साथ मिलन होगा सर, और एक वो विकास में वो भी अग्रसर होगा सर। ठीक है, आपने एक बताया था कि स्कूलों में एक प्रबंधक लगा देना चाहिए और एक प्रशासक होना चाहिए या शिक्षक होना चाहिए, तो फिर प्राइमरी स्कूलों में भी जरूरत पड़ेगी, वहां पर भी गैर शैक्षणिक कार्य खूब होते हैं, तो वहां पर भी एक प्रबंधक होना चाहिए। आपको नहीं लगता है? आपको ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है क्या? जी सर, प्राइमरी स्कूलों में भी अलग कार्य करने के लिए शिक्षकों का काफी समय लगता है सर, लेकिन अभी इसको सर जैसे संसाधनों के तौर पे देखें तो पहले बड़ी स्कूलों में लगाएंगे तो उसके रिजल्ट के आधार पर फिर इसका आगे प्रसार भी किया जा सकता है सर। ठीक है, आप ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है, आप अपने जोधपुर की जो महिला साक्षरता है जो काफी कम है उसको बढ़ाने के लिए तीन उपाय आप जो करना चाहते हैं वो बताइए, एक जी सर, प्रशासक पहले के तो तौर प्राइमरी पर। में सर जो लड़कियां ड्रॉप आउट हो गई हैं, या फिर जो लड़कियां अभी स्कूल में जो 6 साल की हो गई एनरोल नहीं हुई है, उनके लिए काम करूंगा सर, लोगों में जागृति लाऊंगा और इनको स्कूलों से जोड़ूंगा सर। इसके अलावा दूसरा काम ये भी करूंगा कि सर प्रौढ़ शिक्षा जो प्रेरकों के माध्यम से दी जा रही है वो भी सर उसमें जो भी गाँव में महिलाएं असाक्षर उनको चिन्हित किया जाएगा सर, और उनको जो विशेष जो जोन है जहाँ पर ज्यादा साक्षरता कम है सर उनके लिए विशेष कार्य किए जाएंगे सर, जिससे हमारी साक्षरता बढ़ेगी सर। अंतिम आपका साक्षात्कार हो गया है, लेकिन एक अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहूंगा मैं। जी सर, आपके राजनीति विज्ञान भी आपका विषय रहा है और भूगोल भी, तो जी सर, जियोपॉलिटिक्स क्या होती है? जी सर, किसी भी क्षेत्र को लेकर जो राजनीति होती है या फिर किसी क्षेत्र की वजह से जो आवश्यकताएं पड़ती है, संसाधनों की जरूरत पड़ती है, उसके राजनीति आगे बढ़ती है सर, इसको भू राजनीति कहा जाता है सर। किसी भौगोलिक क्षेत्र की वजह से राजनीतिक गतिविधियां प्रभावित होना। जी सर, ये भी इसका एक भाग है सर। हमारे देश में ऐसे के कौन से जियोग्राफिकल क्षेत्र हैं जहां अक्सर चर्चा में रहते हैं, उनका नाम बता दीजिए आप, जो वैश्विक राजनीति में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। जी सर, जम्मू कश्मीर का मुद्दा है सर जो हमेशा चर्चित रहता है। इसके अलावा सर जो लद्दाख क्षेत्र है इस पर वो भी रहता है सर। इसके अलावा सर जो इससे पहले डोकलाम क्षेत्र भी रहा सर, और अरुणाचल प्रदेश का तवांग क्षेत्र भी हमेशा चर्चा में रहता है सर। इसके अलावा सर दक्षिण भारत की बात करें तो सर जो पाक स्टेट है ये क्षेत्र सर हमेशा चर्चा में रहते हैं दक्षिण भारत में कौन सा बताया आपने? सर। जो पाक जल संधि है जो भारत और श्रीलंका के मध्य है सर, बनारस की खाड़ी है सर, ये चर्चा में रहते हैं इसमें कभी विवाद रहा है? जी सर। भारत और श्रीलंका के बीच में मछुआरों को मछली पकड़ने की जो एरिया है उसको लेकर ये काफी विवादित रहा है सर। ठीक है, माधर जी कंक्लूड कीजिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत अच्छा। राकेश जी आप बताइए, माधर जी बंद कर दीजिए बैठक।